कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप प्रोसेस करेंगे टैली में, तो टैली में प्रोसेस करने के लिए हमें हर वर्किंग्स को कैटेगराइज करना होता है। जितनी वर्किंग्स है हमें सभी वर्किंग्स को कैटेगराइजेशन करना होता है। अगर आप इन्वेंट्री बेसिस पे कैटेगराइजेशन करते हैं तो किस फॉर्मेट को यूज करते हैं इन्वेंट्री में, या उससे भी सिंपल नाम में भाषण करो तो स्टॉक ग्रुप का यूज किया है। हमने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना इन्वेंट्री से रिलेटेड। क्या यूज है आपके स्टॉक ग्रुप का या स्टॉक कैटेगरी का? लगना है यानी पूरा रिविजन करो तुम लोगों से। बेसिकली आपका स्टॉक क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया। स्टॉक कोई रोल नहीं है, बस स्टॉक को क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। किस तरह का क्लासिफिकेशन, मतलब हमारा स्टॉक कितने सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब पार्ट्स आगे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुछ इस तरह के क्लासिफिकेशन हम किसमें कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप में कर सकते हैं। मतलब इन्वेंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्टॉक ग्रुप या स्टॉक कैटेगरी जैसी वर्किंग्स को, ठीक है। अगेन अगर मुझे किसी इनकम या एक्सपेंसेस को डिवाइड करना हो, देन अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया है जिसके बेसिस पे हम इनकम या एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सके। हमने इसमें इतना सीखा है कि हम लेजर्स पे काम कर सकते हैं, हम अलग अलग लेजर्स बना सकते हैं, बट उस लेजर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने रेंट पे किया तो रेंट हम दे सकते हैं मल्टीपल प्रोमाइसेस का एक साथ में। अब हम ये तो नहीं लिखेंगे कि लखनऊ गोडाउन का रेंट ये हो गया, ठीक है, और बैंगलुरु गोडाउन का रेंट, हम इस तरह से तो लेजर्स नहीं बना सकते। लेजर्स आप किस वे में बनाते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ इस तरह के ट्रीज हम करते हैं। अब इस रेंट को अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करना हो इस बेसिस पे तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट सेंटर्स की। टॉपिक समझ में आया कि अकाउंटिंग डेटा को कैटेगराइज करने के लिए या अकाउंटिंग इनकम या एक्सपेंसेस को आगे कैटेगराइज करने के लिए आप इसका यूज करने वाले हैं, गो डाउन आपके कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज का, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाई रेंट पेमेंट की, मैंने रेंट की कैटेगरी बना ली। अब इस रेंट में डिफाइन कर दिया कि कितने लोग जगह का रेंट मुझे देना है, नोएडा ऑफिस का रेंट दिया, नोएडा ऑफिस के बाद लखनऊ ऑफिस, कुछ इस तरह के ऑफिस मुझे यहाँ पे अगर डिवाइड कर दी है रेंट बेसिस पे, तो मैं इस तरह के कॉस्ट सेंटर्स को यूज कर सकती। इसी का एक एग्जाम्पल और, लाइक मैंने सैलरी का पेमेंट किया, अब मुझे चेक करना है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों को कितनी सैलरी दी गई टोटल बेसिस पे, एचआर में कितनी दी, मार्केटिंग में कितनी सैलरी हमने एक्सपेंड की, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस के कैटेगराइजेशन होते हैं, इन कैटेगराइजेशन को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस की स्टॉक, सॉरी कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है। टॉपिक का बेस क्लियर होगा कि हम इस टॉपिक के थ्रू करने क्या वाले हैं। ये कंप्लीटली अकाउंटिंग का एक टॉपिक है जिसमें अकाउंटिंग डेटा को कैटेगराइजेशन में डालना होता है, ठीक है। अभी तक इस तरह का काम हमने इन्वेंट्री में सीखा था, फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग में आएगी। तो स्टार्ट करिए, टॉपिक नोट करिए, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर्स बेसिकली है क्या, कॉस्ट सेंटर्स एक ऐसी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे ट्रांजेक्शन जो भी प्लेस किए जाते हैं उन्हें एलोकेट करना होता है, और इन्हें हम एलोकेट कैसे करते हैं, कॉस्ट सेंटर्स के बेसिस में। जब भी प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। आप ये मत लिखना, यहां से लिखना, टैली आर रिमाइंड कॉस्ट सेंटर्स अलाउज अ डाइमेंशनल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, गिव यू द कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप फॉर ईच ट्रांजेक्शन एज पर डिटेल्स ऑफ योर ट्रांजेक्शन। हम बेसिकली अपने ट्रांजेक्शंस को यहां पे ब्रेकअप ही कर रहे हैं, यानी कि मल्टी सब यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसे नोट कर, सो बेसिकली हमने अपनी कंपनी ओपन की, कंपनी ओपन करने के बाद F11, F11 के बाद F1, F1 में जाके हमने सबसे पहले इनेबल किया है आपका ऑप्शन मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, यस कर दीजिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरीज, तो कॉस्ट कैटेगरीज को यस कर दीजिए। यूज प्री डिफाइंड, एक मिनट,
एंड मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को यस करेंगे. ठीक है, सो ये यस नो और यस, ये तीन ऑप्शन आपको देखने हैं. देन कंट्रोलिंग बात करेंगे आप, और ये ऑप्शन अब आपको विजिबल होगा अकाउंट इन्फो में. इन्वेंट्री का कोई भी ऑप्शन अगर आप F2 से कोई भी ऑप्शन इनेबल करते हैं तो हमें इन्वेंट्री इन्फो में चेक करना होता है, जबकि F1 पे जब हम कोई ऑप्शन इनेबल करते हैं तो हमें अकाउंट इन्फो में उसे चेक करना होता है. ठीक है, तो ये है हमारा कॉस्ट सेंटर. अब कॉस्ट सेंटर्स में हमें फर्स्ट कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने के लिए कहा गया है, जिसमें दो नाम है, गुड़गांव ऑफिस और मुंबई ऑफिस का. ठीक है, जिस तरह से आपके स्टॉक कैटेगरीज में स्टॉक का ग्रुप देन सब ग्रुप होते थे, वैसे ही यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट कैटेगरी के अंदर कॉस्ट सेंटर्स मिलेंगे. ठीक है, तो बात करते हैं. फर्स्ट हमने बनाया, देखिए अभी हमारे पास कोई भी कॉस्ट कैटेगरी बनाई नहीं गई है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे प्राइमरी यूज किया. और मुझे दो ऑफिस बनाने थे, गुड़गांव और मुंबई. मैंने यहाँ लिखा गुड़गांव ऑफिस एंड अंडर प्राइमरी एक्सेप्ट, दूसरा मुंबई ऑफिस. हमारे पास दो ऑफिस हैं, गुड़गांव में एक मुंबई में, जिसपे हम एक्सपेंसेस या इनकम अर्न करते हैं, और दोनों ही प्राइम कॉस्ट कैटेगरी में हमने बनाया है. ठीक है, नेक्स्ट है, आपको दो कॉस्ट सेंटर्स और बनाने हैं, यानी कि दो जो हमारे सेल्स मैन है उनके लिए भी हम कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे. उनका नाम है मनीष एंड जमिल. ठीक है, बट ये कैटेगरी में जाएंगे, किस कैटेगरी में जाएंगे, एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज कैटेगरी में हमारे पास दो एम्प्लॉयज है, सो बैक स्पेस करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस कर देंगे, तो हमें कॉस्ट कैटेगरी के ऑप्शन मिल जाएंगे. तो आप ऐसे बना लो, नहीं तो आपको भी पता है कि एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन के लिए आप कॉस्ट कैटेगरी में जाइए, क्रिएट पे जाइए और एम्प्लॉय. अलाउ रिवेन्यू और नॉन रिवेन्यू आइटम्स दोनों को यस कर दीजिए. ठीक है, एंड एक्सेप्ट करो. कॉस्ट सेंटर्स में आइए, कॉस्ट सेंटर्स में आने के बाद क्रिएट, और क्रिएट करने के लिए बैक स्पेस प्रेस करिए, और यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगी एम्प्लॉई. ठीक है, हमने कॉस्ट कैटेगरी यूज की है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में हमारे पास कॉस्ट के पर्सन है सेल्समैन मनीष एंड सेल्समैन जमिल. ठीक है, मनीष एंड जमिल बात कर लेते हैं. इसके बाद हमें इस पे ट्रांजेक्शंस करने के लिए कहा गया है कि आपने जो कॉस्ट सेंटर्स बनाए हैं उसके रिगार्डिंग ट्रांजेक्शंस बनाइए. पहला ट्रांजेक्शन हमने किया है पेमेंट का, 75,000 रुपीस का पेमेंट किया है रेंट का. पेमेंट ऑल सी रेंट. रेंट हमने लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. जिन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग हमने कॉस्ट सेंटर्स को यूज करना है, उन सभी एक्सपेंसेस को बनाते समय आपको इस ऑप्शन को यस रखना है. ठीक है, आप कौन सा ऑप्शन यस करेंगे? आप कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल तो ऑप्शन यस करेंगे एंड एंटर. ठीक है, कहां पे आपको लगता है कि आपको कॉस्ट सेंटर्स यूज करना है, वहां पे आपको कंपल्सरी इस ऑप्शन को यस कर देना है. 25,000 रुपीज हमारे जो ऑफिसेस बने थे वो प्राइम कॉस्ट कैटेगरी में बने थे, सो प्राइम कॉस्ट कैटेगरी एंड गुड़गांव ऑफिस है 30 का एंड मुंबई ऑफिस है 45,000 का. ठीक है, इंटर कैच. यूज क्या है और किस तरह से ये एक्सपेंसेस को एलोकेट करता है, अब ये आपको बता रहा है कि 75,000 रुपीस के जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से डिवाइड हो गए थे, वो 30 एंड 45,000 रुपीस में डिवाइड हो गए. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है, जिसमें हमने रिसीविंग की है अपने ब्रांच ऑफिस से, तो रिसीविंग के लिए F6 एंड रिसीविंग की है हमने ब्रांच ऑफिस से, तो हमने यहाँ पे लिखा ब्रांच इनकम और फी. पार्ट बनेगा इनडायरेक्ट इनकम अमाउंट है हमारे पास 40,000 रुपीज
कॉस्ट कैटेगरीज में प्राइम कॉस्ट कैटेगरी गुड़गांव ऑफिस से हमें 20,000 रुपीज की इनकम हुई है और मुंबई ऑफिस से भी हमें 20,000 रुपीज की इनकम हुई है। इनकम हमने कैश में पे की सर इतना सर टॉपिक बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देना है कि कैटेगरी आप कैसे बना रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकम यूजिंग कॉस्ट सेंटर विद कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने कॉस्ट कैटेगरी बनाया था एम्प्लॉय वाइज, इस तरह से हम कॉस्ट कैटेगरी बना सकते हैं। क्या है कॉस्ट कैटेगरीज ये देख लीजिए, हमने अभी 10 कैटेगरी बनाया है कि एम्प्लॉय की कैटेगरी में दो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और उनको हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए F5 के बाद सेल्समैन ऑफ पीसी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, तो बेसिकली 35,000 रुपीज का जो पेमेंट हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड एक्सपेंसेस का हुआ है, जो कि कंपनी ने अपने दो एम्प्लॉयज पे किया है। एम्प्लॉयज में 15,000 रुपीज एलोकेट किया गया है मनीष को और 14,000 रुपीज जमील पे एक्सपेंड किए गए। ठीक है, क्या टॉपिक है, पेमेंट पे आएंगे और जी ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मनीष के ऊपर एक्सपेंड किया गया है 15,000 रुपीज का एंड जमीन में किया गया है 20,000 रुपीज। क्लियर है, सिर्फ आपको एलोकेशन दिखाना, ये हमने कैश में किया। पेमेंट का सोर्स कोई भी हो, चेक है तो कोई बैंक ले लेते हैं। ठीक है, पेचेक करके आप अपने प्रीवियस एंट्री को ऑल्टर कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ले लेते हैं और फिर पेमेंट के लिए। कॉन्सेप्ट आता है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स एंड मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरीज का। ठीक है, तो इसके लिए एक बार ये टॉपिक नोट कर लीजिए, आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एलोकेट एक्सपेंसेस करना है मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स में। मतलब अभी तक हम जो 15,000 रुपीज को एक ही जगह डिवाइड कर रहे थे, हम उसे मल्टी प्लेसेस पे डिवाइड कर सकते हैं, एक ही अमाउंट मल्टीपल टाइम डिवाइडेशन पे आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, और इसका एक स्ट्रक्चर नोट भी करिएगा, ये यहाँ से लिखिएगा एलोकेट एक्सपेंसेस टू मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज व्हाइल रिकॉर्डिंग अ पेमेंट वाउचर। ठीक है,
अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, अभी तक आपने ये सीखा था कि अगर 40,000 रुपीस का एक्सपेंसेस है तो हम 40,000 रुपीस के ही अमाउंट वहां पे एलोकेट करते हैं। यहां पे हम मल्टी अलॉटमेंट करेंगे एक ही प्राइस का, कुछ इस तरह से जैसे एक ही अमाउंट को हमने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में दिया और उसी अमाउंट को हमने अलग अलग ग्रेड में भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, किस तरह से, जैसे 50,000 रुपीस का पेमेंट लाइक मैंने किया, अब इस पेमेंट में मैंने आपको बताया कि इसमें से 20,000 रुपीस हमारे डिपार्टमेंट ने गया है मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमने 20,000 रुपीस यूज किया है, बाकी 30,000 हमने यूज किया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पे करने। ठीक है, फिर हमारे पास ग्रेड है। अब मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन ये किया कि वो सही है, बट ये बताइए कि किस ग्रेड में कितना पेमेंट गया है, यानी कि सीनियर एम्प्लॉइज का पेमेंट क्या कितना हुआ है और जूनियर एम्प्लॉइज में कितना पेमेंट आपका किया गया है। इसका जो कि कैटेगराइजेशन तो मैंने ऐसे किया हुआ था, आंसर ऐसे कैसे देंगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसी 50,000 को आगे फिर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कि इस डिपार्टमेंट के जो सीनियर अलग है और जूनियर अलग है और इसके सीनियर और जूनियर अलग। ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट को ऐड किया और दोनों डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज है, लाइक टेन एम्प्लॉइज है, अब दोनों डिपार्टमेंट के 10 में हमारे 4 जूनियर हो गए और 6 हमारे सीनियर हो गए। तो ये जो 4 की पेमेंट है वो यहाँ पे और जो 6 की पेमेंट है वो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, एक अमाउंट दो बार क्लासिफाइड हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये अकाउंटिंग मिसमैच भी नहीं करेगा। एक एग्जांपल दिखाया गया है इसी तरह का कि पेमेंट किया गया था कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस का 50,000 रुपीस का, जिसमें हमने मार्केटिंग में 90,000 का पेमेंट किया और अकाउंट्स में हमने 60,000 रुपीस का पेमेंट किया। सिमिलरली इसी अमाउंट को आगे कैटेगराइज कराया गया, इस 150,000 को अगर हम दोबारा कैटेगराइज करें तो इसमें से 110,000 रुपीस का जो पेमेंट था वो सीनियर एम्प्लॉइज के लिए था, जबकि 40,000 रुपीस का पेमेंट जूनियर एम्प्लॉइज के लिए था ऑफिस के। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं कैसे करना है। पेमेंट करना है तो जाहिर सी बात है वाउचर तो पेमेंट का ही लेना है, और सी वाउचर में लेजर आएगा कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। कंट्रोल ए, अमाउंट है 150,000 रुपीस। पहला क्लासिफिकेशन हमने किया आपके, अच्छा मेरे पास कॉस्ट सेंटर्स बने नहीं है, बना देते। कैटेगरी हमें एक बनानी है, कौन सी कैटेगरी हमें बनानी है, डिपार्टमेंट्स के अंदर की डिपार्टमेंट, यस, और डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग, और दूसरा हो जाएगा गैर बटरी, ये डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग है, एम्प्लॉय के अंदर मार्केटिंग बना दी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग, मार्केटिंग पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक्सपेंसेस हैं आपके 90 के। ऑल सी अकाउंट्स में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं 60 के। तो क्लियर है। नेक्स्ट है कॉस्ट कैटेगरी ग्रेड। अच्छा, इसी को दोबारा एलोकेट करना था, एंटर करिए, डिपार्टमेंट कर लिया आपने, फिर से क्लिक करिए और इस बार बना लीजिए ग्रेड, यस, एक्सेप्ट। और नेक्स्ट ग्रेड के अंदर हमारे पास आ जाएंगे ग्रेड सीनियर और जूनियर के, सीनियर, और दूसरा है मुझे भी लग रहा है उसके बन गया।
सीनियर हमारा बनेगा ग्रेड में, मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद ग्रेड, ग्रेड में हम बनाएंगे सीनियर, और सीनियर में टोटल पेमेंट हुआ है 90,000 रुपीज का, 1,10,000। और सी ग्रेड जूनियर, जूनियर में पेमेंट हुआ है 40,000 रुपीज का। सीनियर एंड जूनियर, नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? समझ आ रहा है? यहाँ तक हमने मैन्युअली क्लासिफाई किया है, मतलब हम जिस अमाउंट को जहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे वो हमने डिसाइड किया था कि मार्केटिंग को कितना पेमेंट गया, अकाउंट्स को कितना पेमेंट गया। अब अगर हम ये काम ऑटोमेट करना चाहें, ऑटोमेट करने का मतलब क्या है कि टैली ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दें, हमने अमाउंट लिखा 10,000 तो टैली ने उसको 4,000 और 6,000 में अलग अलग ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया। इसे हम कहते हैं ऑटोमेशन या प्री एलोकेशन। ऑटोमेशंस करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है कॉस्ट सेंटर क्लास को, जैसे हमने इससे पहले यूज किया था वाउचर क्लास को। वाउचर क्लास में हम क्या करते थे, एक बैंक को फिक्स कर देते थे, मतलब एक लेजर को फिक्स कर देते थे और बाकी लेजर, हाँ बाकी सारे लेजर्स हम चेंज करते रहते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि ऑटोमेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर्स या कॉस्ट कैटेगरीज क्या होता है कि आप अपने ट्रांजेक्शंस को ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कितने में डिवाइड होगा। हमने यहाँ पे पहले बता दिया कि अगर 100 रुपीज आते हैं तो उसमें 65 रुपीज जमीन के होंगे, 35 रुपीज मनीष के होंगे, ठीक है? तो ये रेशियो हमने ले लिया, तो हर बार जब 100 रुपए आएंगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे, या 4,000 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10,000 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको परसेंटेज बता रखी है डिवाइडेशन, ठीक है? इसे कहते हैं ऑटोमेशन प्रोसेस, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसे नोट कर लीजिए। बस इतना लिखिएगा ऑटोमेटिकली तक, बस फर्स्ट टू लाइन्स है, नेक्स्ट का थर्ड लाइन का हाफ पार्ट ऑटोमेटिकली। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी आज? फिर बीच में बहुत लंबा गैप है, फिर सैटरडे क्लास में देखिए पीडीएफ का, इसकी पीडीएफ और इसकी रिकॉर्डिंग भी आज ही डाल दूंगी, एक बार वापस देखिए। Heading है automation of cost center bus. कॉस्ट सेंटर क्लासेस में ऑटोमेट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंने आपको डिफाइन किया है, आपको क्लियर होगा कि हम किस तरह की वर्किंग करने वाले हैं। अगर मेरे पास मेरे दो एम्प्लॉई हैं तो हमने पहले से डिवाइड कर दिया कि किस पेमेंट बता, ठीक है? वो डिवाइडेशन हम करेंगे कैसे, इसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आदि कॉन्फिगरेशन फॉर कॉस्ट सेंटर क्लासेस, कॉन्फिगरेशन फॉर कॉस्ट सेंटर क्लासेस। F11 F1 प्रेस करना है, ऑप्शन यस करना है, यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजैक्शंस, ठीक है? F11 F1 प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इज इक्वल टू यस। F1 आपको यहां पे यस करना है, यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर्स एलोकेशन इन ट्रांजैक्शंस। जैसे ही आप इसे यस करेंगे, मैंने हमेशा बोला हुआ है कि आप जब भी किसी सेटिंग को यस करें तो एंटर जरूर प्रेस कर दें, ठीक है? दूसरे वाले में भी करें तो इसके बाद वाले बात करें।
रीडिफाइन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरीज को यस करेंगे और एंटर करेंगे. जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपके पास टॉपिक आएगा क्लास नेम का. ठीक है, तो यस करने के बाद एंटर जरूर कर दिया कीजिए ताकि पता रहे कि उससे रिलेटेड कोई भी सेकेंड एक्टिविटी नहीं है. फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा सीसी क्लास एंटर कॉस्ट कैटेगरी क्लास हमने बनाया है और ये हमने बनाया है एम्प्लॉय के लिए. एम्प्लॉय में हमें जो रेशियो दिया गया है मनीष का रेशियो दिया गया है हमें 30 का और जमन का दिया गया है 70. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम इस कॉस्ट सेंटर क्लास को यूज करने वाले हैं. इसका यूज हम करेंगे जब हमने सेल्स की है तो सेल्स में हमें जो इनकम आई है उस इनकम को हम डिवाइड करना चाहते हैं. ठीक है, सो ये है मेरा ट्रांजेक्शन, ये है मेरा ट्रांजेक्शन. हमने सेल्स की है, सेल्स को हमें डिवाइड करना है. सो बेसिकली F8 सेल्स, सेल्स में आएंगे. कैसे हमने सेल्स किया है, सेल्स हमने किया है कैश में. हम कैश ले लेते हैं. और एक चीज और, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास में यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए सीसी क्लास, जो आपने क्लास बनाया था ना इसमें सेलेक्ट कर लीजिए सीसी क्लास. सीसी क्लास का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा क्लास है जिसमें 70 और 30 का रेशियो दिया गया है. एंड सेल्स में हम बना लेते हैं ऑल सी सेल्स का लेकर. और हमारे पास है बुकलेट एंड एंटीवायरस सीडी, ऑल सी booklets, NOS, enter, और booklets 2000, price है हमारा 5, और C, antivirus, CD, NOS, 40, and 700. इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. इसमें है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स. अब वन बाई वन रिपोर्ट देख लीजिए. कॉस्ट सेंटर्स की रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए आप स्टेप्स लिख लो. स्टेप्स एक ही है, यही स्टेप्स लिख लेना फॉर ऑल. गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स. गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, सो स्टार्ट कर ले. सो बेसिकली करना क्या है, आपको डिस्प्ले में जाना है. डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स. यहाँ लाइन से आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें हमारा ऑप्शन है इस बार का कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर्स में जाएंगे और वन बाय वन आपको एक एक करके सारे रिपोर्ट चेक करने हैं. कैटेगरी वाइज समरी देखनी है कि आपने टोटल कितनी कैटेगरीज बनाई थी, तो हर कैटेगरी का डिटेल समरी यहाँ पे दिया गया है. ओवरऑल जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसमें 4 कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज की ये आपकी रिपोर्ट है.
अगर आप रिपोर्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे 40,000 रुपीज का सेल्स भी डिस्ट्रीब्यूट है। अभी हमने जस्ट 40,000 का सेल किया है, इस सेल को हमने क्लासिफाई नहीं किया था, ये सेल्स ऑटो क्लासिफाई हुआ है, ठीक है, और जिसको जितना वैल्यू देना था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन भी हो गया। ये प्री एलोकेशन का टास्क था। अगेन अगर किसी पर्टिकुलर कॉल सेंटर को देखना है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो ये अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन है, या हमें देखना है कि बेसिकली मनीष को कितनी पेमेंट की गई, तो मनीष का 12,000 रुपए एज अ सेल्स आया था, 15,000 रुपीज का हमने उस पे एक्सपेंसेस किया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी समरी। अगर लेजर बेसिस पे देखना है तो लेजर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे यूज किया गया था लेजर रेंट का, हमने रेंट पे क्लिक किया तो रेंट में हमें दिखाया गया कि रेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो जिस बेसिस पे आपको रिपोर्ट देखनी हो, आप उस बेसिस पे उसको रिपोर्टिंग में कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने यहाँ से लिया एंटर, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे दिखा दिए गए। इस बार देखिए सेल्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो रिपोर्ट जैसे भी आप देखना चाहें, आप उस वे में रिपोर्ट्स को अपने चेक कर सकते हैं। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेकअप रिपोर्ट है कॉस्ट सेंटर का, लेजर का, और इस तरह के बहुत सारे रिपोर्ट्स हमारे पास में हैं जिसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है।